दोस्तों, आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि ड्रोन एक काफी शक्तिशाली हथियार के तौर पर सामने आ चुके हैं और कई युद्ध के दौरान तो आम ड्रोन्स ने किसी गेम चेंजर की भूमिका निभाते हुए युद्ध के नतीजों को पूरी तरह से पलट दिया, जिसे देखकर भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अगर हमें आने वाले समय में अपनी सैन्य क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी करनी है तो इसके लिए ड्रोन के क्षेत्र में हमारा सशक्त बनना काफी ज्यादा जरूरी है, जिस पर काम करने के लिए भारत पिछले कई महीनों से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जिसके तहत आखिरकार ड्रोन के क्षेत्र में अब भारत को एक काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम बिल्कुल अमेरिका की तरह अपने दुश्मनों पर आसमान से मिसाइलों की बारिश कर सकेंगे, वह भी दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि भारत ने ड्रोन के क्षेत्र में एक काफी घातक हथियार को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह कौन सा हथियार है जो भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा। दरअसल दोस्तों, हम जिस नए हथियार की बात कर रहे हैं उसके सफल परीक्षण की जानकारी खुद भारत के तत्कालीन उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने एक संसदीय समिति को दी है, जिसमें ये बात कंफर्म की गई है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत हमने एक ऐसे नए ड्रोन को डेवलप किया है जो दुश्मन के इलाके में 15-20 किलोमीटर तक अंदर जाकर हल्की मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन में लगी मिसाइलों का वजन 10 से लेकर 12 किलोग्राम तक होने वाला है। वहीं पर इस ड्रोन में लगे हथियार इतने सक्षम होंगे कि इसके इस्तेमाल से हम दुश्मन के ठिकानों या टैंक को भी तबाह कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मन की सेना या आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हल्का लेकिन सटीक हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे होने वाला नुकसान किसी अनगाइडेड बॉम्बिंग से काफी ज्यादा होगा। साथ ही इस नए ड्रोन के बारे में एक और अच्छी बात तो यह है कि इसका वजन भी 40 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसे हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ी इलाकों से लेकर थार के रेगिस्तान तक भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बनेगा। वहीं इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि आज कम से कम 30 से लेकर 40 भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां नए तरह के ड्रोन बनाने पर काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर ड्रोन के इकोसिस्टम को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज भारत के अंदर जो ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं वह न कि सिर्फ आम ड्रोन होंगे बल्कि इनसे इंटेलिजेंस सर्विलेंस जैसे मिशन भी आसानी से किए जा सकेंगे, जिन्हें ना कि सिर्फ हम काफी बड़ी संख्या में खुद इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि ये ड्रोन एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आज भारत ना कि सिर्फ खुद शक्तिशाली ड्रोन विकसित करने पर काम कर रहा है बल्कि हम हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से ड्रोन की खरीद पर भी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से ईरान और तुर्की जैसे देश इस क्षेत्र में तेजी से नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, इसीलिए भारत के लिए भी ये काफी जरूरी बन चुका है कि हम ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करें, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनका रोल रिसर्च एंड रेस्क्यू से लेकर अटैक तक में शामिल होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारतीय नौसेना द्वारा जारी किए गए एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम को लेकर है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने कुछ ही दिनों में होने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण की चेतावनी दी है। बता दें कि यह परीक्षण अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नजदीक किया जाएगा, जहां कोको आइलैंड पर चीन द्वारा किए जा रहे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर भारत ने म्यांमार के साथ बातचीत भी की थी। यानी भारतीय नौसेना का यह मिसाइल परीक्षण चीन के लिए एक सीधा संदेश माना जा रहा है। दरअसल यह परीक्षण 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच किया जाएगा और इसके लिए एरिया वार्निंग की लंबाई कुल 465 किलोमीटर की है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह परीक्षण ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का होगा, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक काफी अच्छी बात होगी, जो हमारी नौसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता को दर्शाएगा, जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज भारत ड्रोन या मिसाइल हर क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जरूरत पड़ने पर हम शक्ति प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हट रहे, जो एक मजबूत और सुपर पावर देश की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत का डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम ऐसे ही मजबूत होता रहा और हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया तो आने वाले 15-20 सालों में भारत एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकेगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।